यामिनी सिंह मेरे दिल के बहुत करीब, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा के सारी लाल यादव हमारे इंडस्ट्री के युवाओं के मार्गदर्शक। उनको देख के हम लोग को मतलब हिम्मत मिलती है कि हम लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। गरम दुबे जाने दीजिए, मेरे लिए इतना सोच रहे मतलब बहुत गंदा ही वाला चल रहा है। देखिए हमारे साथ कौन है, भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू जी। क्या जी ठीक है? बहुत बढ़िया है और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सबको बार बार प्रणाम। तो भैया सबसे पहले रैपिड फायर खेल लेते हैं आपके साथ, ठीक है? हम भोजपुरी के कुछ अभिनेताओं के नाम लेंगे, अभिनेत्रियों के नाम लेंगे और तुरंत आपके जहन में जो आता है उनको लेकर जो भी तस्वीर आती तुरंत बोल देना। शुरू करें आपके गुरु से शुरू करते हैं, ठीक है ना? पवन सिंह गुरु जी हैं, बड़े भाई। खेसारी लाल यादव सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार और मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे सुपरस्टार। दिनेश लाल यादव निरहुआ बेस्ट एक्टर इन भोजपुरी इंडस्ट्री। रवि किशन जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मार्गदर्शक हैं हमारे इंडस्ट्री के युवाओं के मार्गदर्शक। उनको देख के हम लोग को मतलब हिम्मत मिलती है कि हम लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी बड़े भाई, एक रास्ता दिखाने वाले कि सिंगर लोगों को और आगे क्या करना चाहिए। तो हम लोग गांव में अभी भी वहीं अपना सिंगर स्टेज शो करते हैं, वो हीरो उन्होंने ही बनाया। रितेश पांडे बहुत अच्छे सिंगर। यश कुमार एक्शन स्टार, मेरे दिल के बहुत करीब। अरविंद अकेला कल्लू दो नाम वाला एक हीरो। धर्म दुबे जाने दीजिए, मेरे लिए इतना सोच रहे मतलब बहुत गंदा ही वाला चल रहा है। धर्म दुबे बेस्ट, बेस्टम बेस्ट, सबसे बेस्ट। अरे सर वाह क्या बात है, आप तो टीआरपी बढ़ा दी हमारी जी। क्या बात है। चलिए कुछ हीरोइंस के नाम ले लेते हैं, ठीक है ना? हीरोइन में हम शुरुआत करते हैं क्वीन से, रानी चटर्जी भोजपुरिया क्वीन। अक्षरा सिंह एक्सप्रेशन क्वीन। आम्रपाली दुबे क्यूट। काजल राघवानी बेस्ट डांसर। अंजना सिंह हॉट केक। यामिनी सिंह ब्यूटीफुल एंड स्वीट एक्ट्रेस। क्या बात है, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। अच्छा अच्छा भैया ये बताइए कि आपको अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे? मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक ही काम आपको करना है, कौन सा काम करेंगे? वैसे तो देश में बहुत सारा काम है, ये काम नहीं है, बहुत सारा काम है और सबका एम होता है। जैसे आप थोड़ा बहुत बात कर लीजिए, पॉलिटिक्स से उतना जुड़ा नहीं हूँ लेकिन एक काम नहीं है, बहुत सारा काम है। लेकिन एक काम यही मैं करूँगा कि रोटी कपड़ा और मकान गरीबों के लिए मैं काम करूँगा। वाह क्या बात है, इस पर तालियाँ बजनी चाहिए और वाकई में आपने बहुत बढ़िया वाली बात की है। और जाते जाते अब थोड़ा काम की बात कर ले, जाते जाते बस आपको बताएं मित्रगणों सज्जनों कि भैया की जो है बहुत बड़ी फिल्म प्रयागराज आ रही है और प्रयागराज के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। प्रयागराज एक ऐसी मूवी है, जैसे लोग बोलते थे कि कुछ अलग बनाओ कुछ नया बनाओ, तो हमारी पूरी टीम ने, डायरेक्टर चंदन उपाध्याय, प्रोड्यूसर इंद्र प्रकाश यादव जी ने और सारी टीम के मेंबर ने, एक्टर से लेके एक्ट्रेस से लेके सारे लोगों का लुक से लेके उनके एक्टिंग को लेके सारे लोगों ने मेहनत किया और बहुत अच्छी फिल्म हमारे हिसाब से और दर्शकों के हिसाब से भी एक अच्छी फिल्म लेके आए, जिस फिल्म का नाम है प्रयागराज। उसका ट्रेलर वेब म्यूजिक रिलीज हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग देखिए और 5 मार्च को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके फिल्म को देखिए, फिल्म को प्यार दीजिए ताकि इसके बाद जो हम लोग पार्ट 2 भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बड़ा बनाए। वाह क्या बात है और बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास शो में आने के लिए। शोभा बढ़ गई है हमारी और हम चाहेंगे कि आप हर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए हम सभी के साथ जुड़े। और देसी भारत देखने वाले सारे दर्शकों को बस यही कहेंगे कि अब हम लोग की मुलाकात अक्सर होते रहेंगे क्योंकि हमने के भोजपुरी में कल सूजनी तो सूजनी ना बनत रहा, अब हम लोग कंटिन्यू आपके आप लोगों से जुड़े रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर फिल्म का प्रमोशन करने पूरी टीम के साथ आपके चैनल पे आए और आपके चैनल के दर्शकों से जुड़े। बिल्कुल और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद भैया से कोनो सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, पूरी कोशिश करेंगे कि इनके जवाब आप तक पहुंचा दें। इस शो का समापन यहाँ कर रहे हैं। हर हर महादेव, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।